Hello friends, welcome to Gates Measure. Let's understand the numerical on indexing. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है वो कॉन्टिन्यूटी में है. ये पार्ट टू को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. पार्ट वन ऑलरेडी शूट किया हुआ है और ऑलरेडी उसकी वीडियो डाली हुई है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा आपके साथ. तो एक्चुअल में हमने पार्ट वन में क्या डिस्कस किया था, हमने फाइंड आउट किया था द टोटल आईओ कॉस्ट टू सर्च अ रिकॉर्ड विदाउट इंडेक्सिंग. मतलब मेरे पास कुछ भी इंडेक्सिंग नहीं यूज की, बिना इंडेक्सिंग के अगर मैं किसी हार्ड डिस्क से डेटा को सर्च कर रहा हूं तो मेरी आईओ कॉस्ट कितनी आएगी. आईओ कॉस्ट क्या होती है, कितनी आएगी, इसके लिए आप प्लीज पहले पार्ट वन को अच्छे से देख लो ताकि आपको पार्ट टू प्रॉपर क्लियर हो जाए. अब पार्ट टू में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि क्या आईओ कॉस्ट आएगी, कितनी आईओ कॉस्ट आएगी, लेकिन विद इंडेक्सिंग. अब हम इंडेक्सिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं. तो यहां पे मेरे पास बाकी की सारी वैल्यूज एज इट इज है, वही हार्ड ड्राइव है. हार्ड ड्राइव में हर एक ब्लॉक का साइज है 1000 byte. हार्ड ड्राइव में हम जो रिकॉर्ड डाल रहे हैं, जो टपल डाल रहे हैं रिकॉर्ड, उसका साइज है 250 byte. तो हर ब्लॉक में 4 रिकॉर्ड्स जो है वो फिट हो जाएंगे. अब मेरे को कितने रिकॉर्ड्स डालने हैं, 10,000. तो टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, 10,000. तो 10,000 रिकॉर्ड्स को डालना है, हर एक ब्लॉक में 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं तो टोटल कितने ब्लॉक्स लगेंगे, 2500. ये मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. अब हम बात कर रहे हैं इंडेक्सिंग की. मतलब व्हाट इज द एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू सर्च अ रिकॉर्ड फ्रॉम इंडेक्स टेबल इफ द इंडेक्स टेबल एंट्रीज ऑफ 20 byte. अब हमारे पास पिक्चर में आ रहा है इंडेक्स, इंडेक्स टेबल, इंडेक्स टेबल. सबसे पहले तो इंडेक्स टेबल में होता क्या है, इंडेक्स टेबल भी क्या है, एक तरह से हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं. इंडेक्स टेबल भी कहां पे स्टोर होता है, जब इंडेक्स बन जाता है तो इंडेक्स भी हार्ड डिस्क के अंदर ही कहीं पे स्टोर होता है. जब आप किसी डेटा को सर्च करते हो तो इंडेक्स जो है वो रैम के अंदर आ जाता है, तो आप पहले इंडेक्स में सर्च करते हो. तो इंडेक्स में होता क्या है, वही ब्लॉक्स, और हर ब्लॉक का साइज कितना है, सेम 1000 byte. बिकॉज ब्लॉक साइज इन इंडेक्स, ब्लॉक साइज इन इंडेक्स टेबल एंड ब्लॉक साइज इन हार्ड डिस्क, दोनों वैल्यूज क्या है, सेम. इसको अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इस बुक की बात करूं, ये अगर एक हार्ड डिस्क है तो इस हार्ड डिस्क में ये सारे क्या है, ब्लॉक्स हैं, जिनको आप पेजेस भी बोल सकते हो. तो हर पेज का साइज, जो इस पेज का साइज है, तो अगर मैं स्टार्टिंग में देखूं ये इंडेक्स, अगर स्टार्टिंग में हम इंडेक्स को चेक करें तो इंडेक्स में भी पेज का साइज तो उतना ही है, जो साइज यहां है वही साइज मेरा यहां है. तो 1000 byte का जो है हर ब्लॉक का साइज जो इंडेक्स टेबल में, वो कितना है, 1000 byte. बिकॉज हार्ड डिस्क में भी कितना था, 1000 byte. लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इसके अंदर हम डाल क्या रहे हैं, इंडेक्स टेबल के अंदर हम एंट्री में क्या वैल्यू डाल रहे हैं. हम दो ही चीजें डालते हैं, एक की वैल्यू, एक पॉइंटर. की वैल्यू और दूसरा पॉइंटर. की वैल्यू मतलब आपको जिस डिटेल को, जिस टॉपिक को आपको सर्च करना है, जिस रिकॉर्ड को सर्च करना है, उसकी की वैल्यू क्या है. मतलब आप क्या डाल के सर्च कर रहे हो, लेट्स से रोल नंबर डाल के या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के या नेम डाल के, क्या क्या वैल्यू डाल के सर्च कर रहे हो, दैट इज अ की वैल्यू. और दूसरी वैल्यू क्या होती है, पॉइंटर. पॉइंटर मतलब पेज नंबर, पॉइंटर मतलब पेज नंबर. सेम जैसे बुक के अंदर अगर हम देखें तो बुक के अंदर जो पेज है उस पेज में तो बहुत सारा कंटेंट है, ये देखो कितनी लाइंस है, कितना कंटेंट है. लेकिन अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में सारा डेटा थोड़ी ना होता है. इंडेक्स में तो सिर्फ सर्च क्या करना है और पेज नंबर क्या है. सर्च क्या करना है, की वैल्यू, पॉइंटर. की वैल्यू, पॉइंटर. की वैल्यू, पॉइंटर. तो इसीलिए आप कह सकते हो कि एक ब्लॉक में, इंडेक्स टेबल के एक ब्लॉक में ज्यादा रिकॉर्ड आ सकते हैं. क्यों, क्योंकि हम वैल्यू छोटी छोटी डाल रहे हैं. मतलब अगर आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स का साइज है 1000 byte, और उस 1000 byte के बॉक्स में आपको ये डाल रहे हैं, और उसी 1000 sides के एक और बॉक्स में आपको सिर्फ ये कैप डालने हैं, तो कैप ज्यादा डालेंगे या ये पेन ज्यादा डलेगा. ऑब्वियस ही बात है, ये पूरे पूरे कैप जो है वो ज्यादा डल जाएंगे बिकॉज इनका साइज छोटा है. तो वही मैं यहां पे फाइंड आउट कर रहा हूं तो कि कितने कितने रिकॉर्ड्स मैं पर ब्लॉक डाल सकता हूं. तो अगर हम देखें, ईच ब्लॉक, ईच ब्लॉक इन
ईच ब्लॉक इन इंडेक्स टेबल, ईच ब्लॉक इन इंडेक्स टेबल कंटेन्स हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, व्हाट इज द साइज ऑफ ब्लॉक 1000 बाइट एंड व्हाट इज द एंट्री, इंडेक्स टेबल एंट्रीज ऑफ 20 बाइट, 20 बाइट. तो ये क्या वैल्यू आई, ये वैल्यू आई 50. मतलब एक ब्लॉक के अंदर आप 50 रिकॉर्ड्स डाल सकते हो, 50 रिकॉर्ड्स डाल सकते हो हर एक ब्लॉक के अंदर. तो कितने वैल्यूज डालनी है, कितने रिकॉर्ड्स मेरे को यहाँ पे डालने हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने रिकॉर्ड्स आपको डालने हैं. क्योंकि या तो आप 10,000 पूरे रिकॉर्ड्स यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर आप सिर्फ एक एक ब्लॉक की एंट्री कर सकते हो. इसको हम बोलते हैं डेंस एंड स्पार्स, डेंस एंड स्पार्स. डेंस का मतलब क्या है कि हर एक एंट्री के लिए, हार्ड डिस्क की हर एक रिकॉर्ड के लिए इंडेक्स टेबल में सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे. मतलब यहां पे 10,000 रिकॉर्ड है तो यहां पे भी 10,000 रिकॉर्ड्स होंगे. लेकिन स्पार्स का मतलब क्या है, यहां पे इस पूरे ब्लॉक की हम एक एंट्री करेंगे, फिर दूसरे ब्लॉक की एक एंट्री, फिर तीसरे ब्लॉक की एक एंट्री. मतलब अगर यहां पे मेरा डेटा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मैं इस 1 की एक एंट्री करूंगा, 5 की एक एंट्री करूंगा, 9 की एक एंट्री करूंगा, इस तरीके से. मतलब ये एक तरह से एंकर रिकॉर्ड बन जाएगा, एंकर, ये पूरे इस ब्लॉक का लीडर है. तो मुझे 10,000 एंट्रीज नहीं करनी पड़ेंगी, कितनी एंट्रीज करनी पड़ेंगी, जितने इसके अंदर ब्लॉक्स हैं, मतलब 2500 एंट्री करनी पड़ेंगी. लेकिन स्पार्स आप तभी बना सकते हो, स्पार्स जब आपका डेटा क्या हो, ऑर्डर्ड हो, जब आपका डेटा हो ऑर्डर्ड. लेकिन अगर डेटा आपका नॉन ऑर्डर्ड है, मतलब डेटा आपका सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, तो फिर आप स्पार्स बना ही नहीं सकते. तो स्पार्स का मतलब क्या होता है, अगर डेटा आपका ऑर्डर्ड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो उस केस में आप स्पार्स बनाओ. तो अगर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो अगर हम बोले कि एक ब्लॉक के अंदर 50 एंट्री डाल सकते हैं, तो कितनी डालनी है, स्पार्स के अकॉर्डिंग कितनी डालनी पड़ेंगी, 2500. स्पार्स के अकॉर्डिंग कितनी डालनी पड़ेंगी, सिर्फ 2500. क्यों, हर एक ब्लॉक की एक एंट्री. तो हार्ड डिस्क में कितने ब्लॉक्स है, 2500 ब्लॉक है, 2500. तो हर 2500 एंट्रीज डालनी है टोटल. एक ब्लॉक में कितनी एंट्रीज आ सकती है, 50. तो कितने ब्लॉक्स लगेंगे मेरे यहां पे, ये लगेंगे 50. तो ये कितने ब्लॉक्स लगे मेरे, 50. मतलब सारी की सारी वैल्यूज आपकी 50 ब्लॉक्स में आ जाएगी, 50 ब्लॉक्स में आ जाएगी. मतलब आपका जो इंडेक्स है वो 50 ब्लॉक्स में कंप्लीट हो गया. तो अब सर्चिंग कैसे होगी, सर्चिंग कैसे होगी, जो भी वैल्यू आप सर्च करना चाहते हो, पहले आप इंडेक्स में सर्च करो. इंडेक्स में आपको कितने ब्लॉक्स को सर्च करना पड़ेगा, 50 ब्लॉक्स को सर्च करना पड़ेगा. तो ऑब्वियस ही बात है, इंडेक्स मेरा क्या है, इंडेक्स हमेशा क्या होता है, की, मतलब की वैल्यू है, और उसमें हमेशा क्या होता है, सॉर्टेड फॉर्म में डेटा डाला होता है, 1, 2, 3, 4 की फॉर्म में. तो आप सीधा यहां पे लॉग बेस 250, दिस इज द सर्चिंग टाइम, लॉग 2 बेस, लॉग 50 बेस 2. तो ये वैल्यू क्या आई, इसकी अपर वैल्यू लेनी है, अपर वैल्यू लेनी है. तो अपर वैल्यू अगर मैं लेता हूं, तो ये वैल्यू आएगी 6, बिकॉज 2 रेज टू पावर 5 इज 32, 6 इज 64, तो 6. मतलब आपको 6 सर्च करने पड़ेंगे, तब आपको एक पेज नंबर मिलेगा. आपको 6 बार सर्च करना पड़ेगा, टोटल 6 सर्चेस करने पड़ेंगे, आपको मिलेगा क्या, एक पेज नंबर मिलेगा. वो पेज नंबर आपको कहां लेके जाएगा, डिजायर्ड ब्लॉक में ले जाएगा, और फिर उस ब्लॉक में आपको डेटा को सर्च करना पड़ेगा. तो यानी टोटल कितने सर्च हो गए, 6 + 1 दैट इज 7. मतलब अगर आपको सबसे पहले तो 6 सर्चेस कहां करने पड़ेंगे, इंडेक्स के अंदर. जब इंडेक्स में आपने सर्च कर लिया, आपको पता लग गया ओके दिस इज पेज नंबर 575, अब आप सीधा 575 पेज पे जाके डेटा सर्च कर सकते हो. तो टोटल कॉस्ट इज 7. लेकिन किस केस में, अगर मैं यूज कर रहा हूं स्पार्स, अगर मैं यूज कर रहा हूं स्पार्स, अगर मैं यूज करूं डेंस, अगर मैं डेंस यूज कर रहा हूं, तो कितनी एंट्रीज डलेंगी, कितनी एंट्रीज डलेंगी, टोटल एंट्रीज जितनी हार्ड डिस्क में एंट्री है, हार्ड डिस्क में कितनी एंट्रीज है, 10,000. हार्ड डिस्क में कितनी एंट्रीज है, 10,000. तो एक ब्लॉक के अंदर कितनी आ सकती है, 50. तो टोटल मेरे पास कितने ब्लॉक्स लगेंगे, मेरे यहां पे लगेंगे ब्लॉक्स
200 इन केस ऑफ डेंस मेरे को हर एंट्री डालनी पड़ेगी, एक ब्लॉक के अंदर 50 एंट्री आ सकती है, डालनी कितनी है 10,000, तो टोटल कितने ब्लॉक्स लगेंगे 200। अब आपकी सर्चिंग क्या हो जाएगी, log 200 प्लस 1, log 200 का मतलब क्या है, log 200 आ गई आपकी वैल्यू 8, तो 8 प्लस 1 दैट इज 9, 8 प्लस 1 दैट इज 9 मैं यहां लिख देता हूं, तो log 200 प्लस 1, तो व्हाट इज log 2, log 200 बेस 2 दिस इज 8 प्लस 1 दैट इज 9, तो आपको अब कितने सर्च करने पड़ेंगे 9। लेकिन अगर आप कंपेयर करो विदाउट इंडेक्सिंग, जिसमें वैल्यू 12 आ रही थी, जो आप वीडियो 1 में चेक कर सकते हो पार्ट 1 में, तो उससे जो है वैल्यू कम आ रही है। ये 9 वैल्यू कब आ रही है, अगर हम डेंस को यूज करते हैं, मतलब हर एंट्री के लिए यहां पे एक वैल्यू, हर रिकॉर्ड के लिए एक एंट्री डाल रहे हैं इंडेक्स के अंदर, तो 8 सर्च ये करने पड़ेंगे, प्लस 1 सर्च क्यों कर रहे हैं हम, प्लस 1 बिकॉज़ आपको यहां से तो एक पेज नंबर मिलेगा ना, आपको फिर उस बॉक्स उस ब्लॉक में जाके डेटा को सर्च करना पड़ेगा। तो इंडेक्स के अगर स्पार्स बनाते हो तो वैल्यू जो है आपकी स्पार्स के केस में वैल्यू आ रही है 7, और अगर आप डेंस बनाते हो तो वैल्यू आ रही है 9। तो ये दोनों ही वैल्यूज जो है विदाउट इंडेक्सिंग से कम है। सो दिस इज हाउ इंडेक्सिंग एक्चुअली वर्क्स, और ये कैसे आयो कॉस्ट को कम करती है। आप प्लीज एक बार इस वीडियो को और पार्ट 1 को जरूर चेक कर लीजिए, बिकॉज ये दोनों वीडियोस कंटिन्यूटी में। थैंक यू।